你好，OK，meet you again，meet you again，yes， 你好，你好，你好，你好，欢迎来到我的家，Welcome to my home。哦，thank you so much。भाई बहुत सस्ते से अपार्टमेंट है, अराउंड 10,000 रुपए का रेंट है, लेकिन यही अगर अपार्टमेंट्स आप शंघाई में लोगे तो भाई वहाँ पर चार्जेस होंगे लगभग 1.5 लाख। अब देख लो कितने गुना का फर्क पड़ गया। बहुत यू आर लिविंग इन दिस बिल्डिंग? ओके, लेट्स गो लेट्स गो। सो भाई ये 14 नंबर के बिल्डिंग, ओ फिफ्थ फ्लोर। ये भाई थैंक यू सो मच शिवा, थैंक्स अ लॉट। ये मेरे लिए काफी यूनिक है भाई, मैंने लाइफ में पहली बार देखा कि संतरे के अंदर चाय रख रखी है। फोटो खींच रही है भाई। कर दोस्तों, मैं चीन के बिहाई नाम के शहर में हूँ और इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। आज यहाँ का मौसम अचानक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। कल यहाँ पर बहुत तेज़ धूप थी और आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ सर्दी का मौसम आ रखा है। सब ने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, जैकेट्स पहन रखी हैं और अचानक ही मौसम का बदलाव देखकर मैं चौंक गया कि ये क्या हुआ। बहुत ठंड है सुबह यहाँ पर। अभी जो टेम्परेचर है वो लगभग 22-23 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वैसे यहाँ पर ग्रीन लाइट होने के बाद ही रोड क्रॉस कर सकते हो, जैसे साइकिल्स के लिए, गाड़ियों के लिए, सब के लिए होती है, वैसे इंसानों के लिए भी होती है। और साइकिल का तो खासकर साइन बना रखा है। और जहाँ पर अभी राइडिंग कर रहा हूँ ये पूरी साइकिलिंग लेन है सारे, यानी बाइक और स्कूटर के लिए। आज मैंने चाइना में बाल कटवाए हैं और इनके मुझे 400 रुपये पे करने पड़े, और अच्छे काटे हैं वैसे तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे। बाल कटवाने की स्टोरी के पीछे स्ट्रगल सुन, मैंने गूगल पर सर्च किया तो कुछ दिखा नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक बाइडू करके गूगल की तरह एक एप्लीकेशन है वो काम करती है। गूगल पर सर्च किया VPN यूज़ करके, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर सोचा कि चलो मैं लोकल इसी कॉलोनी में जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उसके आजू बाजू में देखता हूँ, तो भाई यहाँ पर सब कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ढूंढना और मुश्किल था। फिर जैसे तैसे पूछता पूछाता पहुँचा मैं, और फिर उन्होंने इस तरीके से बाल काटे हैं। जा रहा हूँ मैं ईवा से मिलने के लिए। आपने मेरे पिछले भाग में देखा मैं एक चाइनीज़ लड़की से मिलता हूँ जो शंघाई शहर की रहने वाली है और वो यहाँ पर घूमने आई है, तो आज मैं उसके घर जा रहा हूँ उसकी। तो दोस्तों यहाँ से मुझे 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, अब यहाँ से 7.3 और रह गया है, तो चलो पहुँचते हैं ईवा से मिलते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी रेड लाइट्स बनी हुई हैं कि मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में रुकना पड़ रहा है। अभी मैंने 11 मिनट में सिर्फ 3 किलोमीटर कवर किए हैं, यानी मैं अभी शायद ये चौथी या पांचवी रेड लाइट पर स्टॉप लिया है, क्योंकि यहाँ पर हैं ही रेड लाइट्स इतनी रोड वगैरह क्रॉस करने के लिए, और टाइम भी काफ़ी लगता है। 3-4 मिनट खड़ा होना पड़ता है, थोड़ी सी साइकिलिंग करता हूँ और फिर उसके बाद फिर 2-3 मिनट खड़ा होना पड़ता है। बाकी रोड सिस्टम यहाँ का मुझे बड़ा पसंद आया, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं और गगनचुंबी इमारतें हैं मेरे पीछे, देख रहे होगे, पूरा कैमरा मुझे नीचे करने को पड़ रहा है, बट हाँ अच्छा है, ये इलाका काफ़ी अच्छा है। और अभी मैं जा रहा हूँ उसी तरफ जिस दिन मैं आपको सिल्वर बीच पर लेकर गया था, उसी के बाजू में उनका घर है। बाकी हम लोगों को एक भ्रम है कि भाई चाइना के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग बड़े ही मददगार हैं, बड़े ही रिस्पेक्ट करने वाले हैं और बड़े ही हेल्पफुल है। जब भी मैं जाता हूँ आपने देखे होंगे मेरे व्लॉग्स के थ्रू, और खासकर जिस इलाके में टूरिस्ट नहीं है वहाँ तो समझ लो भाई आपको इतनी इज्जत मिलने वाली है, जैसे कि मैं जिस इलाके में अभी हूँ यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं है। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, उस दिन जो बीच पर आया था उसी रास्ते पर हूँ, और उस दिन मैं अगर ये रास्ता चूज़ करता तो और जल्दी पहुँच जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रेड लाइट्स हैं लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि मैंने गाड़ी वाला रास्ता लगाया आज से को, तो गाड़ी वाले रास्ते पर कम ही मिलती है, और पैदल वाला लगाता था ना उसमें भाई इतनी रेड लाइट थी, गलियों के अंदर से लेके आता था और सिर्फ फ़र्क पड़ता था 300-400 मीटर का। तो मैंने आज डिसाइड किया कि चलो गाड़ी वाला लगाते, तो भाई सिटी में आप राइड कर सकते हो हाईवे पर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारे हाईवे होते हैं इधर उधर आने जाने के लिए। और ये लो भाई गगनचुंबी इमारतें आगे इन्हीं में रहती है कहीं ना कहीं युवा। और आज हमारा प्लान बना है साथ में लंच करने का, उसने बोला है कि मैं तुम्हें लंच की ट्रीट देना चाहती हूँ क्योंकि आज वो जाएगी शंघाई। सो भाई ये मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर युवा है, युवा नी हाओ। भाई ये बता रही है कि लगभग सारे जो चाइनीज लोग हैं वो ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग मोस्ट ऑफ द चाइनीज कम्युनिटी लिव्स इन दिस टाइप ऑफ दैट इन सिटीज दे लिव्स इन द बिग बिल्डिंग्स। सो हाउ मेनी फ्लोर्स इन इट? अराउंड 30? मोर देन 30, नाइस। 32 और 34? ओह 32 34, ओके। सो भाई हम जैसे एंट्री करने के लिए भी यहाँ पर ये चीज सी होती है, मेट्रो की गेट की तरह एंट्री होती है, देखो कम। Yes, nice. In India, we entered like this in the metro station. What's that? Metro. You know metro? Metro? Yeah. It's kind of subway. Okay, subway. Yeah. We entered in the subway like this. We enter the subway like this too. Oh, okay. So, ये भाई entry होती है यहाँ पर China में एक बड़े-बड़े घरों के अंदर जाने के लिए. So security check. Yeah, security check. Yes. It's kind of condominium, right? Sorry? Condominium. Yes. Condominium.
And mean the water. Sorry. Condominium. Okay. Okay, let's use dictionary. आ गया हूँ इस अपार्टमेंट में और ईवा मुझे बता रही है अब कार्ड्स के बारे में. Yeah. So what you call cards? Mahjong. Yeah. So वहाँ पर कुछ लोग अभी भाई कार्ड्स खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं. We can go? Yeah, we can. Okay, let's go. So यहाँ पर चाइना में इतना पॉपुलर है भाई ताश खेलना. मैंने आपको गुआंगझो सिटी के अंदर भी दिखाया था कि लोग कॉमन एरिया में बैठकर अलग अलग से बैठे हुए थे, पत्ते खेल रहे थे, बूढ़े औरत और आंटियाँ वगैरह. तो ये काफ़ी दिलचस्प चीज़ है और ये काफ़ी मुझे सरप्राइजिंग लगी. अब ये बता रही है कि यहाँ पर बहुत कॉमन है माचांग. माचांग यानी ताश खेलना बहुत कॉमन है. Oh, thank you so much. I'm just trying to. Children. Oh, for children's, yes. So, भाई बच्चों के खेलने की जगह है इनके अपार्टमेंट्स के बाजू में और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ताश खेलते हैं लोग. Hello, ni hao. Hi. 是一个国际友人，然后想看一下大家打麻将。没事，你们可以自己玩。 So, भाई ये पत्ते हैं देखो इनके, ये different हैं. 他说印度也有一样的麻将。 I'm from India. Are you sure? No, not the same. Not same, right? Yes. Okay. It's totally different. We have like these kind of the cards. Oh, you mean the cards, the paper cards. The paper cards, yeah. We don't have. Oh, mahjong. I say it's special for China. Oh, yeah. It's not the common, yeah. Yeah. Totally. So, by ye game inka mahjong. Yeah. Okay. Nice. I like it. But I don't know how to play this one. I'll teach you someday. Okay. But we need four people too. Four people to play. Yeah. Okay. Like we have the paper cards in India. Yeah, paper cards can play. That's flexible. Two, three, four. Yeah, you can. Yeah, you can just according to you, like how much people can you play. Yeah. और भाई ये देखो इनका कॉमन एरिया है, जिम्स ही बना रखी है यहाँ पर, जैसे अपने दिल्ली में पार्क्स में बना के रखते हैं ना. इन इंडिया इट्स पॉपुलर इन द पार्क्स, वी कॉल इट ओपन जिम, ओपन जोन, ओपन जिम, जिम, ओपन जिम, 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 ओपन जिम, ओपन जिम, यस यस. बस स्विमिंग पूल जस्ट ऑपोजिट टू दिस नेबरहुड. ओह, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल. बेहा इज अ टूरिस्ट सिटी, सो यू कैन सी इन दिस नेबरहुड. आई थिंक मोर देन हाफ ऑफ द people here are from other province. Oh, other province, but they all are Chinese. They're all Chinese. Okay. Because in the North China, the weather is very cold. Yes. So people love here. Oh, okay, nice. Okay, especially in winter. In winters. Yeah, in winters, for people from Harbin. Mm-hmm. Okay, they travel here. Yeah, and they just winters, and they just like to go on the beach. Yeah. And eat good food. Yes. And food. So भाई ये बता रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं, ये लोग हैं सारे के सारे नॉर्थ चाइना से, जहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड है फिलहाल. और यहाँ पर ये सब लोग आते हैं, रेंट पर लेते हैं और फिर यहाँ पर वो स्टे करते हैं और यहाँ पर खाना पीना खाते हैं, बीच पर जाते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द Chinese people, like they just move from north to south to just enjoy the weather. So people we meet here, they are from everywhere in China. Oh, everywhere. Nice. So यहाँ पर वो खेलते हैं, मजे करते हैं भाई. बहुत सस्ते से अपार्टमेंट है, अराउंड 10,000 रुपये का रेंट है. लेकिन यही अगर अपार्टमेंट्स आप शंघाई में लोगे तो भाई वहाँ पर चार्जेज होंगे लगभग 1.5 लाख. अब देख लो कितने गुना का फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा. Oh, you are living in this building? Yeah. Okay, let's go. So भाई ये 14 नंबर के बिल्डिंग, ओ 5th फ्लोर. Okay, let's go. Oh my goodness. तो भाई पहले वो गलत में चली गई थी, वो बात करती करती उसको ध्यान नहीं रहा. अब देखो यहाँ एंटर करने के लिए भी भाई आपको कार्ड लगाना पड़ता है. देखो कार्ड लगाया और उसके बाद बाहर खींचा. That's just my second time here, so I'm not that familiar. Okay, it's fine. Wow, let's go in the lift. ये भाई लिफ्ट टाइम की और ये 5th फ्लोर पर रहती है. चलो यहाँ पर मैं हूँ भाई. Yes. So I'm just a guest of this. Apartment. Oh, you are my guest. Yeah, I'm your guest. The guest of guest. Yeah, the guest of guest. Yes, that's amazing. So, ये भाई एंट्री होती है युवा के एकदम घोस्ट वाले उसमें. Oh, ये भाई. Thank you so much, युवा. Thanks a lot. So, ये भाई इनका अपार्टमेंट है. काफी सारी चीजें हैं. चलो. You can change to speaker. Yeah, sure. In China, especially in big cities. Okay. But the furniture here is. Simpler because we don't live here very often. Mm, yeah, it's okay. It's nice. It's in-law. They have a business, tiny business. In, okay. They have a clinic. Oh, clinic. So they work there, and they don't often go. Oh, so it's like here. Less furniture. तो भाई ये इनका अपार्टमेंट है. एंटर होते ही यहाँ पर इनका एरिया आ जाता है और सबसे पहले मुझे पसंद है बाहर का नज़ारा देखना. तो भाई यहाँ से आप नज़ारा देखोगे, चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, नीचे आप देख सकते हो जगह और ये नज़ारा है. सो ये भाई चाइना के जो अपार्टमेंट्स हैं वो इस तरीके के होते हैं. कुछ लोग यहाँ इस तरीके से रहते हैं. यहाँ पर इन्होंने बस ऐसे ही ले रखा है टाइम पास के लिए
और ये यहाँ पर किचन है। और किचन से बाहर जाएंगे तो भाई यहाँ वॉशिंग मशीन का एरिया आ जाता है। यहाँ ये सारी चीजें लगी हुई हैं। यहाँ से आपको कुछ ऐसा नजारा दिखता है, सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गगनचुंबी इमारतें, और फिर यहाँ से अपन चलेंगे। ओ यू आर गिविंग मी हाउस टूर। तो बोल रही है भाई ये बहुत पॉपुलर है, फर्नीचर है यहाँ पर, और ये इस कलर का ज्यादा लोग पसंद करते हैं। चाहे Oh, you put tea. Oh, wait. दोस्तों चाइना के अंदर चाय होती है उसको किस तरीके से रखते हैं, ये ऑरेंज है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में संतरे होते हैं और उसके अंदर ये चाय रखते हैं। देखो कितनी नई चीज है, कितनी ऑर्गेनिक चीज है, और फिर इसके अंदर ये लोग चाय बनाते हैं। तो ये जो आप ये जो इक्विपमेंट्स देख रहे हो, ये जो चाय की पीने के लिए जो कप वगैरह देख रहे हो, ये सारे के सारे भाई चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ये चाय इस तरीके से रखी जाती है, इस तरीके से बनाई जाती है। ये मेरे लिए काफी यूनिक है भाई, मैंने लाइफ में पहली बार देखा कि संतरे के अंदर चाय रख रखी है। संतरे की भी खुशबू आ रही है और चाय की भी खुशबू आ रही है, दोनों एक साथ आ रही है। सो ये देखो भाई, सो भाई मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के रूम वगैरह। तो ये भाई इनका एक बेडरूम है जो आप देख रहे हो। शायद आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे चीजें दिखानी चाहिए या नहीं, बट मुझे लगा कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसलिए। तो ये जो जगह बता रही है, इस जगह पर बोलती है कि हम लोग कारपेट बिछाते हैं और यहाँ पर हम चाय पीते हैं, रखकर टेबल रखेंगे, दो लोग बैठकर यहाँ पर चाय पी सकते हैं, और बाहर का नज़ारा यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा ही दिलचस्प है भाई। और फिर इसके बाद में ईवा है जो दूसरा बेडरूम दिखाएगी अभी, जो दूसरा बेड, ये वॉशरूम हो गया इस तरफ, और वॉशरूम के बाद अपन जाते हैं इस रूम के अंदर। यहाँ पर भी एक खाली रूम पड़ा है, ये इनके गेस्ट के लिए है। इस तरफ एक और वॉशरूम है। चाइना में जैसे वो बालकनी में बता रहा था, वैसे ऐसे इस तरीके से बैठ कर चाय पी जाती है। एंड ये भाई ईवा का रूम है यहाँ पर, जिसमें ईवा भी रह रही है। सो ये भाई बड़ा प्यारा सा एरिया है। मुझे ईवा ने एक बड़ी गजब की चीज बताई है भाई, जो चाइना है उसका मतलब क्या होता है, कैन यू प्लीज रिपीट इन इंग्लिश? This ingredient, porcelain, is called China. China. Yeah. Yes, yes. So they come to very far away places like India, like the very western countries. Yes, yes. So our country, China, is called China. China. Because China. of China. Yes, China. It's also China. So by China का मतलब मैंने dictionary में भी search किया, उसका मतलब भी भाई यही होता है कि जो ये जो material है, जो चीजें हैं, China. Nice. It's interesting. Thank you for telling me. अभी 5:21 हुए हैं और अभी मैं निकला हूँ, और मैं सोच रहा हूँ बीच पर जाने की। लेट्स सी, देखता हूँ कुछ ना कुछ, कोई जगह मिलती है तो। तो दोस्तों ईवा को बाय बाय बोलने के बाद मैं आ गया हूँ फिर से समुद्र के किनारे राइडिंग करने के लिए। ये समुद्र है वो समुद्र जहाँ पर मैं पहले दिन एंटर हो रहा था, तब आपने रंग बिरंगी बिल्डिंग्स देखी थी मेरे लेफ्ट साइड में, वो बड़ी बड़ी आपको नजर आ रही होंगी। ये सारी की सारी बिल्डिंग्स भाई अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इनमें कोई भी चीज़ ओपन नहीं हुई है, लेकिन थोड़े टाइम में ओपन हो जाएंगे तो बढ़िया लगेगा। और ये भाई नज़ारा है यहाँ का, यहाँ का बीच थोड़ा सा ब्लैक कलर का, यानी ऊपर तो ये थोड़ा सिल्वर टाइप का दिखेगा और अंदर ब्लैक टाइप। वहाँ जाकर अपनी लीलन को पार्किंग में लगाकर फिर हम ये नज़ारा देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नाइस। ये देखो दोस्तों ये सामने, अब यहाँ से आप क्लियर नज़ारा देख सकते हो इन बिल्डिंग्स का। यहाँ पर लोगों के रहने के अपार्टमेंट्स लग रहे हैं, कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी हैं। और ये सामने बीच का नज़ारा खूबसूरत आप देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर सा लग रहा है। और यहाँ पर लोग देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ पर सिर्फ फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए आते हैं, अंदर तक जा रखे हैं। पहले दिन जब मैं आया था तो उस डायरेक्शन से आया था, और उस भाई का मेरे पास मैसेज भी आया था कि भाई आ जाओ, लेकिन वो बहुत दूर है यार, वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर का था, तो सोचा कि चलो यार नहीं जाता हूँ। तो अब भाई मैं यहाँ से वापस अपनी लीलन की तरफ चलता हूँ। तो अभी मैं इस बीच के बाद मैं कुछ ऐसी रोड पर साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ये प्रकृति का नज़ारा। यहाँ देख सकते हो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और चारों तरफ से ढक रखा, और ख़ास चीज़ ये वो यही रोड है जहाँ से मैं उस दिन आया था। हाय, हेलो। सो यहाँ देखो पीछे बुक स्टोर है बड़ा सा। बाकी ये नज़ारा भाई आज मज़ा आ गया, अच्छा लगा आज, और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा चाइना का थोड़ा कल्चर देखकर। कुछ एक दो चीज़ें मैंने मिस कर दी, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख लेना, वहाँ भी मैं डालता रहता हूँ। तो जेरी चौधरी के नाम से अपना इंस्टाग्राम भी, JERRYCHOUDHARY। बाकी ये क्या मिल रहा भाई, जोएक्स कुछ ब्रेड्स वगैरह हैं। चलो भाई अपना जो होटल है वो यहाँ से 2.7 किलोमीटर है, और उस दिन रात को मैं इधर से गेड़िया मारा था लीकिंग डॉग। यहाँ डॉग मीट बहुत पॉपुलर है, देखो डॉग वगैरह का मिलता है। फोटो खींच रही है भाई। Yeah. Hello.
भाई यहाँ पर रेड लाइट पे जब भी रुकता हूँ तो लोग फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करना ज़्यादा पसंद करते हैं. नाइस टू मीट यू. ये नज़ारा है भाई यहाँ का. कल रात को मैं यहाँ पर घुमा रहा था भाई, देखो इस इलाके में. अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो देख लेना, आपको मज़ा आ जाएगा. यहाँ का मैंने खाना पीना दिखाया था, बड़ी सुंदर जगह थी यार ये. और अब भाई मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से इस मॉल के अंदर जाता हूँ कुछ खरीदने वरीदने के लिए. जाकर देख लेते हैं, यहाँ का मॉल भी ट्राई करते हैं. तो भाई लीलन को तो मैं यहाँ पार्किंग में लगाऊंगा कहीं पर, कल वाली जगह पे लगा दूंगा. कुछ ख़रीदने के लिए आ गए हैं. एक छोटा सा मॉल सा है कि तो इसमें मैंने सबसे पहले अखरोट देखे भाई, तो 120 रुपए के 500 ग्राम है भाई. देखो सही है लगे मेरे को, तो ये ले लूँगा मैं अभी आधा किलो. रास्ते में खाने के काम आ जाएंगे यार, लग भी सही रहे. उसके बाद आगे की तरफ ये वही एरिया आ गया जहाँ पर मैं उस दिन फ्रूट्स वगैरह लेने गया था, तो ये जगह मुझे ठीक लगती है. तो मैं देख रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए आगे के रास्ते के लिए ले लेता हूँ. बड़े दिनों बाद दिखा मेरे को एक ऐसा मॉल सा है, तो 500 ग्राम में ये ले लूँगा. और बाकी ये थोड़े और सस्ते हैं, ये हो गए भाई 500 ग्राम है 8 के, तो ये लगभग 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाते हैं. 120 ये लेता हूँ, ये परफेक्ट भी लग रहे हैं. फिर उसके बाद थोड़ा इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर मूँगफली के दाने वगैरह भी रखे हुए हैं. ये मूँगफली होगी, मूँगफली काफ़ी कॉस्टली है भाई. ये भी देखो, ये भी 120 रुपये की 500 ग्राम है, और वो भी 120 रुपये की 500 ग्राम. ये थोड़ी और ज़्यादा कॉस्टली है, ये लगभग 140 रुपये के आसपास है. तो ये सारी चीज़ें हैं भाई. तो चलो ये भरते हैं पहले इस थैली के अंदर. देखो भाई यहाँ भी ग्रोसरी का सामान अपने इंडिया में रखते हैं ना, वैसे ही रखे हैं. देखो मूंग देखो कितने के, मूंग भाई हैं 500 ग्राम कितने रुपए के हो गए, मूंग हो गए भाई 48 रुपए के 500 ग्राम, यानी 100 रुपए के लगभग मान के चलो ये हो गए अपने एक किलो मूंग. और ये देख लो भाई रेट लिखी, उनको 12 से गुणा कर लो आप अगर आपको देखनी है तो प्राइस. तो सारी की सारी चीज़ें आप देखते हो. ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, अपने बेर हैं इनको काट के रख रखा है देखो इसमें, तो बेर काफ़ी पॉपुलर हैं. और ये क्या भाई आगरे के पेठे हैं क्या रखा हुआ है? ओ भाई साहब ये मिस्री है, क्या सीन है? ये मिस्री होती है ना अपने, वो है भाई ये. और इसके अंदर ये गुड़ रखा हुआ है, गुड़ ही है क्या? नहीं ये भी मिस्री है. देखो भाई यहाँ से बिलिंग करवा ली इन चीज़ों की, पर पीछे चेप देते हैं इसके ऊपर. और ये बोल रहे हैं उस तरफ करना पड़ेगा इसको, लगा रहे सी सी है. ये भाई इन्होंने देखो दो दो लिख रखे हैं ना, ये 0.75, ये सारा ये जाके मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी अब उधर जाकर. और ड्रैगन फ्रूट भी था यार, मुझे ले लेना चाहिए था. कोई नहीं ये रेट है भाई. देखो ये संतरे वगैरह 2.98, इनको 12 रुपये से गुणा कर लो एक को. ओके इस तरफ बता रही है, कहाँ बता रही है? ये अखरोट का भाई यहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी. किशमिश काफ़ी महंगी है यार, ये महंगी है क्या? 308 ग्राम है ये, और लगभग 120 रुपए की ले लेता हूँ. ठीक है यार खा लूँगा किशमिश. और ये देखो भाई चॉकलेट वगैरह कैसे मिल रही हैं यहाँ पर, किलो आधा किलो के हिसाब से हैं, यानी 130 रुपए की उठा लो आप सारी. तो 130 रुपए में आपको 500 ग्राम जो चीज़ चूज करनी हो कर लो. इस तरफ भी रखी हुई है 190 की, जो जो आपको चाहिए वो 500 ग्राम आप उठा सकते हो इनमें से. गजब ही सीन है यार. इस तरफ भी टॉफ़ी वगैरह यहाँ बहुत ऐसी बेची जाती है चाइना में, है ना, गजब सीन. चलो चलते हैं अब यहाँ से. लेज वगैरह की भी रेट देख लो भाई, अगर आप कोई भाई पूछता है लेज खाना है तो 120 रुपए का है. देख रहे हो ऊपर की तरफ कुछ चीज़ें महंगी कुछ सस्ती भी हैं, जो है वैसा ठीक है. और ये यहाँ पर ड्राई चीज़ें जितनी भी हैं, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए. यहाँ देखो सारी चीज़ें स्कैन करवा के और अब ले लेंगे यहाँ से. कितने का बन गया बिल दिखा देंगे मेरे को. हाउ मच दोस्तों? जितना मटेरियल लिया था ना मैंने, किशमिश वगैरह उसके बाद अखरोट हो गए, ये सारा पड़ा भाई मेरे को 360 रुपए का. 360 रुपए में काम हो गया इतनी सारी चीज़ें. अब कल का अपना ब्रेकफास्ट का जुगाड़ हो गया है, क्योंकि रास्ते में भी खा लेंगे और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो जाएगा. तो भाई ये अपने लीलन को मैंने यही खड़ा करके गया था, अब इसको करते हैं अनपैक. यहाँ बांध रखा था वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है. और ये भाई ऐसे मॉल से होते हैं ना, सस्ते ही होते हैं थोड़े से. बाकी मैं कल उस दिन जहाँ से ख़रीदा था वहाँ काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे उन्होंने, बट ठीक है ये सस्ते एरिया. इनको मैंने फिर से यहाँ पार्क कर दिया और ये सामान मैं यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ. देख रहा हूँ कि कोई चोरी करता है नहीं करता है, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं. बाकी अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ ये सामने मार्केट सा बना हुआ है. यहाँ एक चीज़ देखोगे आप, नीचे मॉल से लगेंगे ऊपर ही होटल हैं सारे. तो चलो चलते हैं, यहाँ का ऐसा क्राउड है थोड़ा, एक और जगह आपको लेकर चलता हूँ. ये देखो दोस्तों ये गली भी पूरी चकाचौंध वाली है, चारों तरफ चीज़ें बेच रहे हैं और खाने पीने का वही नॉन वेजिटेरियन सीन है. अभी चारों तरफ ही है भाई, यहाँ पर हर एक तरफ आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा. देखो यहाँ हॉट पॉट वगैरह चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं. इधर ये टी है शायद इन लोगों की, चाओ बाई दाओ पता नहीं. हाँ जूस वगैरह टी वगैरह. तो यहाँ से गेड़ी मार के घूम के जाता हूँ. देखो भाई ये जो चाइना के
एक मॉल में हूँ, यहाँ पर सामान देखो कैसे मिलता है 29 के आगे एक बिंदु और लगा लो 290 रुपये के लोअर, 290 से 390 के बीच में देख सकते हो आप। यहाँ सारी की सारी चीज़ें आपको जो समझ में आ रही है वो ले सकते हो। रेट लिखी हुई है 15 युआन यानी 150 रुपये से 350 के बीच में। चारों तरफ लड़कियों की भी ज़्यादा सामान है यहाँ पर। बड़ी रंगीन सी दुकान है, क्या लिखा हुआ पता नहीं, चाइनीज लैंग्वेज ऐसे समझ में आ रहा है। ये चारों तरफ माहौल है, उस तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर भाई साहब चारों तरफ खाना पीना पहनना वही सारी चीज़ें हैं। उस तरफ भी देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, चारों तरफ इस पूरे शहर में चारों तरफ ऐसा ही माहौल है। गुड मी और ये सारी चीज़ें इधर लड़कियों के थोड़े से और एक्सपेंसिव समझ लो, और फिर इसमें एंटर हो जाएंगे तो ये थोड़ा और महंगा ब्रांड आ गया। तो अब देखते हैं अपना जो सामान रख कर गए थे वो मिलता है या नहीं मिलता है। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ और सामने वहाँ पर अपनी लीलन खड़े, वो सामान रखा हुआ भाई अभी तक देखो रोड के ऊपर ही रख के गया था मैं। चलो कोई नहीं, तो मुझे एक वो चाय की दुकान दिख गई हेटी, यहाँ पर कई बार देख लिया मैंने। तो चलो रोड को पार करके उस तरफ चलते हैं और एक हेटी खरीदते हैं। लेकिन रोड कहाँ से क्रॉस कर सकते हैं यार, रोड क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा वो सामने जगह है, चलो वहाँ से मारते हैं गेड़ी। तो भाई उधर है चाय की दुकान, चाय पीने के लिए आया था लेकिन फिर मुझे ये दिख गया मेरा फेवरेट ये दूध सा होता है यार, ये इसका मैंने चित्र दिखा के बोला मैं ये बना दो जी। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसमें जितने भी आप संतरे देख रहे हो जो भी चीज़ें हैं ये बना रही हैं। और इनकी कीमत तो यार इसको बता नहीं कितने, 6 रुपये लिखे हुए हैं, कितने लिखे हुए हैं लेट्स सी पता चलेगा। मुझे काफ़ी सही लगा था इसलिए मैं यही कर रहा हूँ ऑर्डर, और यहीं कहीं बैठ जाऊँगा आजू बाजू में। लेट्स सी ये नज़ारा भाई यहाँ पे चारों तरफ का, और उसके बाद भाई जाऊँगा सीधा होटल में ये पीने के बाद में। इसमें ये सब लोग ये मिक्स करके देते हैं, मुझे बड़ा ही गजब लगा ये आइडिया इनका। फ्रूट्स के अंदर ये कोकोनट मिल्क मिलाते हैं शायद, एक तो ये फ्रूट्स हो गए एक जेली टाइप से हो गए। तो सारी की सारी चीज़ें करके दे देते हैं अब इसमें, और ये किशमिश डाल रही हैं थोड़ी सी। अच्छा इसमें योगर्ट डाला जो कि कितने हैं, ये काफ़ी हेल्दी सा लग रहा है मेरे को इसलिए मैंने ये ले लिया होगा। चलो ठीक है यार ये खा पी लेता हूँ, बड़ा ही स्वाद सा दिख रहा है। लेट्स सी सिसिया थैंक यू। तो भाई साहब ये दिया इन्होंने, बाय 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 बाय। तो भाई ये बैठ कर अब खाता हूँ यहाँ पर और उसके बाद अपन चलेंगे यहाँ से, नज़ारा मज़ा आ गया भाई साहब ये खा कर यार। ये ना बड़ी एनर्जेटिक चीज़ लगी मेरे को यार, बड़ा सही है। और ये कुछ कुछ जगह पर तो बहुत ही सस्ता होता है, जो भी सलाद सा बना कर दिया उन्होंने बहुत मस्त आया। बाकी ये नज़ारा है और चलते हैं अब घर वापस, 8:05 हो गई। ये देखो भाई जैसे धर के गया था ना सिस्टम उतना ही है, देख लो अभी क्या टाइम हुआ है, 8:10 हो गई है। यहीं पर रखा हुआ सारा सामान देखो, पावर बैंक भी नहीं निकालता मैं, इसी में पड़ा रहता है मेरा पावर बैंक, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं निकाला चाइना में आने के बाद में। तो चलो भाई अब चलते हैं सीधा का सीधा अपने होटल में और फिर एडिट मारनी है वीडियो, फिर देखेंगे क्या करना है। अब चलता हूँ, पेट भर गया, खूब कुछ खा लिया यार, बहुत सारा सामान खा लिया आज। कल भूखा था क्योंकि लेट हो गया था वीडियो एडिट करते करते, आज पहले खाया फिर एडिट करूँगा जाके। अब ये नज़ारा भाई आखिरी रात बेहाई में और बड़ी खूबसूरत यादों के साथ में। ये देखो दोस्तों मैंने आपको दिखाया था ना क्वेंगजाओ में कि भाई कैसे लोग पार्क में आके एक्सरसाइज करते हैं, चारों तरफ देखो उस तरफ भी डांस कर रहे हैं। इस पूरे पार्क में भी वैसा ही माहौल है, देखो किस तरीके से चल रहा है, बूढ़ी बूढ़ी औरतें लड़कियां सब, और इस तरफ भाई ये पूरा मार्केट है, चारों तरफ ही मार्केट लगा हुआ है। ये बहुत सरप्राइजिंग है यार कि चाइना में इतना ज़्यादा मार्केट लगता है कि यार देख कर चौंक जाएगा कोई भी इंसान यार। सारे चाइना में ऐसा या पता नहीं यहाँ पर ऐसा है, बाकी इवा ने मुझे बताया 70-80% लोग तो शहरों में रहते हैं इनके। गजब सीन है यार, गजब बहुत चौंकाने वाला है। अपने रूम में फिर से आ गया हूँ, ये मेरे पीछे देख रहे हो मेरा रूम है और साफ़ सफाई तो की है शायद उन्होंने, बेड वेड तो लगा दिया था यहाँ पर। ये काम ठीक है कि रोज़ आकर साफ़ सफाई कर देते हैं। और भाई आज हमने रीलन को चलाया भाई 26.48 किलोमीटर। तो अब भाई बस मुझे वीडियो एडिट करना है और फिर पैकिंग करनी है, सारे इक्विपमेंट्स चार्ज करने हैं, कल यहाँ से सिटी को कह देंगे बाय 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 बाय, और अगली सिटी के लिए हम निकल जाएंगे। यहाँ से अगला है जाजियांग करके है सिटी, जो यहाँ से 180 किलोमीटर है, तो वहाँ पहुँचने में हमें 2 दिन का वक्त लगेगा। और उसके बाद माओमिंग टाणा टाणा बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थोड़ा छोटा है मेरे ख्याल से बट हाँ ठीक है, मैं आज जो किया वो मैंने दिखाया और बड़ा अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। युवा से बहुत अच्छी लड़की है, काफ़ी ज़्यादा मददगार है, और हम चाइना फिर घूमने आएंगे जब फिर कभी इन फ्यूचर में, यानी अभी तो हूँ मैं यहाँ पर अगले 15-20 दिन, बट चाइना बहुत बड़ा है, 1 महीने का ही वीज़ा मिला तो उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते, अपने हाथ में कुछ नहीं है।
तो ठीक है, और आज बस काफ़ी सारी बातें हुई। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ा अच्छा लगेगा, सपोर्ट मिलेगा हमें थोड़ा सा। और आपके जो भी सवाल जवाब हो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा सपोर्ट कर सकते हो, टूर स्पॉन्सर कर सकते हो, स्पॉन्सर्स ढूंढ सकते हो, जैसी मदद कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।